कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे हम लोग पहले से ऑलरेडी आपको सेक्शन वाइज वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं। जैसा कि आपकी डिमांड है कि क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस की जाए, तो उसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनकी सीरीज़ भी बीच में देना शुरू कर दिया है कि क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके आपको सामने एक सेशन लेते हैं। इसी तरीके से हमने एक सेशन लिया था जहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉयड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे कि उनके सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो हमने कुछ ट्रिक्स बताई थी, आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले देख लें। आज हम लोग उसी तरीके से क्वेश्चंस फिर से करेंगे, मगर अगर वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो फिर उस सेक्शन और इस सेक्शन में अंतर क्या है। तो हम जो पहले दे चुके थे पहले वो देख लेते हैं अगर आपने नहीं देखा हो, और फिर आगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ तो क्या करने वाले हैं। तो हर आज क्या है, किसी टाइप का ट्राइंगल होगा, तो उस ट्राइंगल में आप ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉयड निकाल पाएंगे। हमने पहले क्या देखा था वो देखते हैं। इस टाइप की वर्टाइसिस ली गई हैं, तो हमने दिखाया था ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इरेशनल कोऑर्डिनेट, यहाँ पर जैसे इरेशनल कोऑर्डिनेट है तो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड, इन सेंटर सभी एक ही होते हैं। तो हम लोग सेंट्रॉयड का फार्मूला लगाएंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। तो यहाँ लगा के हमें सेंट्रॉयड तो निकलेगा निकले, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर भी निकल आएगा, ये हमने देखा था। आप अगर इसको डीप में देखना चाहते हो तो पीछे वाले वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। यहाँ पे हमने इस टाइप की वर्टाइसिस को कंसीडर किया था, जैसा कि दिखाया है कि एक वर्टाइसिस का एक कोऑर्डिनेट एक से मैच खा रहा है दूसरी, और दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे से मैच खा रहा है। तो ऐसी वर्टाइसिस राइट एंगल ट्राइंगल होती हैं, और जैसे हमने इस वर्टाइसिस को यहाँ फिगर आउट किया है तो राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ राइट एंगल बनता है वो ऑर्थो सेंटर है। इतना हम देख चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आप शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो नॉर्मल होगा, मतलब उसमें कोई स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल या कोई ट्राइंगल हो, तो आप उससे क्या है ऑर्थो सेंटर आराम से कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक, तो आपके सामने एक प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो प्रोसेस लगता है तो लेंदी बट बहुत ही शॉर्टकट है, इससे ज़्यादा कोई शॉर्टकट है नहीं। ऑर्थो सेंटर का बताते चले कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा शॉर्टकट मुझे लगता है नहीं होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर शॉर्टकट है उनके अलावा, जो राइट एंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है उनके अलावा, तो आप ज़रूर मुझे भेजें, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। इससे ज़्यादा इजीली आप नहीं लगा सकते हैं, तो बात को ध्यान दें। देखिए हमने क्या किया, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल वर्टाइसिस हमने लिए हैं एक दो और तीन, यहाँ पे ऑप्शन लिए हैं। ऑप्शंस को आप ध्यान दें, लगाएं कैसे देखते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल आपके सामने लिया है, ट्राइंगल आपके सामने लिया है ए बी सी, इन वर्टाइसिस उसको बी सी माना है। इक्वेशन आप बी सी निकालने जा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि कोई इक्वेशन निकालनी हो दो बिंदुओं से मिलके बन जाती हो तो टू पॉइंट फार्मूला, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो फार्मूला होता है वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक को एक्स वन वाई वन मानते हैं, एक को एक्स टू वाई टू। तो यहाँ पे हमने इसको एक्स वन वाई वन माना, इसको एक्स टू वाई टू, यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई किया वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, पूरा सॉल्व किया। ये हमारी देखिए फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करना सीख जाएँ और इसको आप लगा, ये इक्वेशन आप बी सी आ गई, बी सी की इक्वेशन आ गई इसकी। अब इसके परपेंडिकुलर ए से पास होने वाली इक्वेशन निकालेंगे, अ लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी पासिंग थ्रू ए, तो कोई भी लाइन है, अगर ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दी गई है उसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स और वाई के कोफिशेंट इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ इंटरचेंज कर दिया बीच में, ठीक है, इनके साइन को आप अपोजिट कर देते हैं और फिर उसको उस दिए हुए पॉइंट से पास करा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बी सी के परपेंडिकुलर निकालना है क्योंकि एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है। तो हमने क्या किया, देखिए एक्स और वाई के कोफिशेंट, एक्स का कोफिशेंट सेवन था तो वाई के साथ दे गए, और वाई का कोफिशेंट थ्री था एक्स के साथ दे गए, बीच में क्या कर दिया माइनस कर दिया, लैम्डा ले लिया। अभी आके जाके किससे, ए से पास होगी, तो ए से हमने यहाँ क्या किया, अगर आया देखिए अ लाइन विल पास थ्रू वन कॉमा फोर, तो एक्स की जगह क्या रखने जा रहे हैं वन और वाई की जगह फोर, तो ऐसे हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब ये ए डी की इक्वेशन आ गई, इसी पर कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर होगा, तो ऑप्शन की अब हेल्प लेंगे, बस दो ही काम करने हैं हमें, बी सी की इक्वेशन निकालनी इसके परपेंडिकुलर। अभी तो हमने एक्सप्लेन किया था कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे और परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बट आपको इतना नहीं करना,
अब आपको इससे शॉर्टकट, एक और शॉर्टकट बताएंगे कि फटाफट आप निकाल लेंगे, मगर आपको वहां पर भी बीसी की इक्वेशन और परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालते कैसे लाइन को वो जल्दी आगे वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, मगर ना ये पड़ेगा। अब क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन को रखते हैं, जैसे ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये, जैसे 1,4 को ही रखते हैं, तो 1,4 रखेंगे तो 3 × 1 माइनस 7 × 4 प्लस 25, तो 3 माइनस 28 प्लस 25, तो 28 माइनस क्या आया, 0। तो ये सेटिस्फाइड कर गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो ऑप्शंस रख के देखेंगे, जो सेटिस्फाइड कर जाएगा वही आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चंस लगाइए आर्थो सेंटर के, ढूंढ के जो ना लगे आप उसको बताइए, सबसे शॉर्ट मेथड है ये। ऐसे ही हम लोग सरकम सेंटर और बाकी के भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनके ऑप्शंस भी हैं। तो आप, हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है और पहले जो कॉन्सेप्ट थे उनको सारे इंटरलिंक करिए, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ दिए गए, आप उनको ट्राई कर लें। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस, जैसे 5 क्वेश्चंस ही दे रहे हैं। आगे हमने बोला ही है कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ाई जाए। आप करिए इसको और आंसर्स भी शेयर करिए, आंसर शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। आज ऑप्शंस दिए गए तो ज़रूर आंसर शेयर करेंगे। लास्ट में वीडियो बहुत छोटा था, तो लास्ट में वीडियोस के जब लास्ट में जाते तो आंसर ज़रूर शेयर करें और उसको हम ज़रूर देखते हैं। रिप्लाई नहीं करते इसका ये मतलब नहीं है कि देखते नहीं हैं, आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। आगे इसी तरीके से फिर से कंटिन्यू हम लगातार रखेंगे। आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं इससे मैं बिल्कुल, मैंने बोला कि एक कमिटमेंट हमने कर लिया है कि हमें लास्ट तक लगातार आपको देना है। वो साइड आपकी है कि आप उसको कितना स्ट्रांग बना पाते हैं, बट मेरा मारुला क्लासेस का, मेरा मतलब मारुला क्लासेस का ही कमिटमेंट हो गया, तो लगातार रेगुलर ही चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।